प्यारे बच्चों, अगर आपका एडमिशन IITs, NITs या फिर जो प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, आपके पेरेंट्स के मन में भी कोई डाउट नहीं होता है, वो भी खुशी खुशी आपका एडमिशन करवाते हैं। इवन आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है कि आपने काफ़ी अच्छी रैंक क्रैक किया हुआ है। बट प्रॉब्लम, ये डाउट कहाँ पर स्टार्ट होता है? अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है और आपको प्रीमियम कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको लोअर लेवल का कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आपके पेरेंट्स के मन में भी और आपके मन में भी डाउट स्टार्ट होता है कि आपको इतना पैसा खर्च करके इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इवन इस टाइम पे जब ये बात का डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है कि इंजीनियरिंग में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं कि आपको इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए। पहली चीज, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, आपको इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए? और आप जब इस चीज से कन्विंस हो जाओगे कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो आप किस लेवल तक के कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि सबका एडमिशन तो IITs NITs में हो नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे Facebook, Instagram पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बच्चों, मैं अपने डिस्कशन की शुरुआत 10 साल पहले से करता हूँ, 10 ईयर बैक। हमारा अगर एडमिशन होता था इंजीनियरिंग में तो पेरेंट्स काफ़ी खुश होते थे और अनडाउटली एडमिशन करवा देते थे। इन 10 सालों में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुले हैं और इन प्राइवेट कॉलेजों ने अपना क्वालिटी मेंटेन नहीं किया है, प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं है उनके पास प्लेसमेंट नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, उनके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है जहां पे आपका डेवलपमेंट हो पाए, और इवन गवर्नमेंट के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो जो क्वालिटी है कॉलेजेस की वो मेंटेन कर पाए। अगर मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया भी है तो वो केवल पेपर में है, प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं या स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जब आप ऐसे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करके निकलते हो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, और उस पैसे के साथ साथ आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली के साथ, आपके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है कि बच्चा इंजीनियरिंग करके निकलेगा, अच्छी जॉब लगेगी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, ये सारी चीज़ें, और आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हो, आप भी डिसअपॉइंट होते हो, पेरेंट्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो धीरे धीरे क्रिटिसिज्म में बदल जाता है और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ता है, ना केवल पेरेंट्स का, चट्टी चौराहा मार्केट, आप जहाँ भी खड़े हो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग की तो आज बहुत बुरी हालत है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, 10-5 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे जगह आपने ये भी देखा होगा कि अच्छा इंजीनियरिंग तो अब तो लोग प्यून के लिए, क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी ऐसी खबरें कभी कभी आती रहती हैं। तो इन सारे लोगों को मेरा बस एक ही लाइन में जवाब है कि जिस दिन इंजीनियर अपना लेवल इतना डिग्रेड कर लेगा कि उसको प्यून और क्लर्क बनना पड़े, तो भरोसा करिए कि बाकी जो कोर्सेज के लोग हैं ना, उनको चाहते हुए भी प्यून और क्लर्क की जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो सारा इंजीनियर ही एक्वायर कर लेगा। और ये मैं ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टैटिक्स दिखाऊंगा टॉप लेवल के एग्जाम से लेके लोअर लेवल के एग्जाम तक का। तो सबसे पहले आप स्टैटिक्स देखिए। प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स की शुरुआत हम करते हैं कुछ न्यूज आर्टिकल से। यहाँ पे रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इन्होंने रिपोर्ट किया था पूरा डिटेल में कि फॉर अ डिकेड इंजीनियर्स हैज बीन डोमिनेटिंग इन UPSC एग्जाम्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का छोड़िए, जितेंद्र सिंह जो आपके यूनियन मिनिस्टर थे, इन्होंने 2016 में राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई में कहा कि जो 2016 का सिलेक्शन है उसमें जो टॉप 20 कैंडिडेट हैं उनमें से एक दो नहीं भाई, पूरे 19 स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और एक स्टूडेंट मेडिकल बैकग्राउंड का। तो आप देख सकते हो कि रेशियो का है क्या है, जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के वो मैक्सिमम क्या 99% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, हाफ ऑफ दोज हु क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आर द इंजीनियर्स, मतलब 50% जो टोटल सिलेक्शन है हर साल, अगर AS की हम बात करें, केवल AS की, तो 170 से लेके 180 तक सिलेक्शन होता था, इसमें से 50% जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं। मगर आपको एक चीज ध्यान देना है, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, मगर इनमें से केवल 1% या 0.5% ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑप्शनल में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेते हैं, मैक्सिमम ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेके पास करते हैं। मगर आप सोचो कि एक लड़का जो इंजीनियरिंग किया 4 साल, उसके लिए प्रिपरेशन किया 12th के बाद, वो 1 साल या 2 साल में ह्यूमैनिटी पढ़ के UPSC टॉप कर ले रहा है,
और जो ह्यूमैनिटी के कोर्स के जो स्टूडेंट हैं वो पूरे अपने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटी पढ़े, तैयारी कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से, बट वो टॉपर्स नहीं हो पा रहे हैं, इवन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ना कि इनकी जो कैपेसिटी कैसे बिल्डअप होती है। जो यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स है जिसमें आप देख सकते हो, ये जागरण जोश से स्टैटिक्स मैंने लिया है, बहुत जल्दी का तो मिला नहीं। आप देख सकते हो तो 2019 में केवल इतनी परसेंटेज थे इंजीनियर्स का सिलेक्शन में, 2010 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ, 40%, 46%, 50%, 51, 52, 56% तक जो रेशियो है सिलेक्शन रेशियो वो पहुंच गया है इंजीनियर्स का। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो मैक्सिमम है ना शायद आईआईटी से होंगे, अब हमारा एडमिशन तो आईआईटी में हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपके लेवल के कॉलेजेस से भी सिलेक्शन हुआ है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ भी स्टैटिक से आप देख सकते हो कितना रिकमेंड किया गया था इंटरव्यू के लिए इंजीनियर्स को, कितना का सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा, इस एग्जाम्स के अलावा अगर आप सीजीएल की देख लो, आप सर्च करके देखना, बहुत सारे जो न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने ये सारी रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है। इसमें डोमिनेटिंग जो कैंडिडेट हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो नया स्टार्टअप्स है वो भी इंजीनियर्स का ही है, बड़े स्टार्टअप्स तो आप जो देख रहे हो, आप फ्लिपकार्ट को जानते हो, स्नैपडील को, पेटीएम को, इन सबको तो आप जानते हो। इसके बाद जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जो 100, 200, 500 करोड़ के हैं स्टार्टअप्स, उनमें भी इंजीनियर्स काफी डोमिनेट कर रहे हैं आईआईएम में एडमिशन के लिए। इसकी तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आईआईएम ने जब देखा कि इंजीनियर्स ज्यादा आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने कोर्स में सिलेबस में इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया। और इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ाने के बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 या 16 की, एक आईआईएम अहमदाबाद ने रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने दिया था कि इकोनॉमिक्स को सिलेबस में ऐड करने के बाद जो इंजीनियर्स का रेशियो था सिलेक्शन का वो हम सोचे थे कि घटेगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं घटा बल्कि बढ़ गया। तो यहाँ पे भी इंजीनियर्स ही जाते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें, डिफेंस में, और बैंक पीओ में तो आजकल भरे पड़े हैं इंजीनियर्स, जो आपके लेवल प्राइवेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, जो कि सोचते हैं अगर आईएएस काफी बड़ी हो गया, सीजीएल थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो वो बैंक पीओ तो 6 महीने 1 साल में क्रैक कर देते हैं। यहाँ पे भी जो अदर कोर्सेज के बच्चे हैं वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको आईएएस के बारे में बताता हूँ, आईएएस में भी जो गवर्नमेंट ने सेकेंड पेपर है रीजनिंग वाला, उसमें ये जो इंजीनियर्स थे उनका सिलेक्शन बढ़ रहा था, इसीलिए उसको क्वालिफाइंग कर दिया। अगर वो मेरिट में होता तो दूसरे लोग तो और भी बाहर हो जाते, इसीलिए जो सेकेंड पेपर है उसको क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी काफी ज्यादा होती, तो वो बहुत अच्छे स्कोर करते थे सेकेंड पेपर रीजनिंग वाले में। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताने वाला था कि जो आप सोच रहे हो कि ये सारे आईआईटीज वाले ही सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बंदे को आप देख रहे होंगे, इनका वरुण कुमार नाम है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एमआईटी महाराष्ट्र से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, एक महाराष्ट्र का ऐसे ही कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, बहुत लोअर लेवल का भी नहीं है, मिडिल क्लास का कॉलेज है, वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग किया। और इनकी अभी 2019 में जो रिजल्ट आया है उसमें इनका 32 रैंक है, 32 रैंक मतलब बहुत ही अच्छा रैंक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये रैंक केवल इनको 8 या 9 महीने प्रिपरेशन के बाद इन्होंने ये रैंक अचीव किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ मोटिवेट करेगा। अब आपने स्टैटिक्स देख लिया, बहुत हद तक आप कन्विंस हो गए कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। आपके मन में आप यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा है, और ऐसा है, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, आप जाओ सर्च करो, देखो, आपको हर जगह डेटा पड़ा हुआ है, आपको डेटा मिल जाएगा सारी चीज़ों का। तो आपके मन में सवाल आ गया कि अगर ऐसा है, सारे एग्जाम अगर इंजीनियर्स ही क्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोग पिछड़ क्यों जा रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी यूनिक जो क्वालिटी होती है ना, वो इंजीनियर्स में डेवलप हो जाती है। वो क्वालिटीज़ क्या क्या है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली क्वालिटी जो मेरे नज़र में सबसे ऊपर है, इंजीनियर लेबोरियस होता है। लेबोरियस किस सेंस में, पढ़ाई के सेंस में। अगर आपने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्रॉस किया हुआ है, आपकी सिक्वेंसली बैक नहीं, एक दो बैक अगर आपकी गलती से लगे किसी रीजन से तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर सिक्वेंसली बैक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सक्सेसफुली इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम सारे पास किए हैं, आपके ग्रेड अच्छे हैं, तो आप लेबोरियस हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े सपने देख के आप पास नहीं हो सकते हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 6-7 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ लो, सबने पढ़ा होगा, कोई अच्छे कॉलेज का बच्चा होगा तो आप उससे पूछ के देख लेना। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर आती है, और इसको इंजीनियर्स काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कि राइटिंग स्किल्स।
आपको असाइनमेंट बहुत लिखना पड़ता है, आप चाहो लिखना ना चाहो लिखना, मगर आपको असाइनमेंट लिखना ही पड़ता है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाते हो, जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उनको बहुत ज़्यादा आप एनालाइज कर पाते हो। थर्ड चीज़ कि आप पंक्चुअल होते हो अपने काम में, आपको आदत पड़ जाती है पंक्चुअलिटी की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईटीज, एनआईटीज या प्रीमियम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस देनी ही पड़ती है। अगर नहीं देते हो तो आपको डिटेन कर दिया जाता है। और जो ये बच्चे बात कर रहे थे ना कि हम तो क्लास बंक करते हैं, मज़े करते हैं ना, ये सब बस बाहर का बात होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको क्लास अटेंड करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ है वो आपका एनालिटिकल पावर है, एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे आप रीजनिंग के क्वेश्चन, एफटी के क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाते हो, या फिर बाकी जो कोर्सेज हैं उनसे अच्छा कर पाते हो। वो इसलिए कि आप सिक्वेंसली मैथ पढ़ते हो, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 तक आप मैथ पढ़ते हो, और मैथ से जो एनालिटिकल कैपेसिटी होती है ना माइंड की, वो डेवलप हो जाती है। लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, इससे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और ये जो चीज़ें मैंने बताया है, ये जब कंबाइंड हो जाती हैं आप में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली आप अच्छे जगह से हो, प्रीमियम कॉलेज से हो, तो आपको सोसाइटी का रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये सारे कम्युनिटी होकर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देती हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सब कहाँ से आएगा, कि आप उन प्राइवेट कॉलेजेस से जहाँ पे आपको बस एडमिशन मिल गया, आपने कर लिया, वहाँ से इंजीनियरिंग कर लोगे तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो किस लेवल तक के कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए? पहले तो आईटीज, एनआईटीज हैं, कोई डाउट नहीं है, जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज अगर बात करें आपके स्टेट का, गवर्नमेंट कॉलेज जो स्टेट का उसको भी छोड़ देते हैं, उसमें भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो अनडाउटली जाना चाहिए। आपके स्टेट के जो टॉप 5 to 6 कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो अनडाउटली आपको इंजीनियरिंग करने जाना चाहिए। अगर वो अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो जो क्वालिटीज़ मैंने बताए हैं सारे सिक्वेंसली इंजीनियरिंग कॉलेज के, कि वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, क्वालिटी मिलेगी, रिसोर्स अच्छा मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छा एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी, वहाँ से आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मैं गुजरात का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। गुजरात स्टेट में 20 to 22 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट उनकी जो क्वालिटी है ना वो प्राइवेट कॉलेजेस से भी ख़राब है। बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में नई टीचर पढ़ाना चाहता है, नए बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर क्लर्कियल का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का कोई काम नहीं होता है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसे अगर आपका स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऐसी हालत है, तो आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फ़ी कम लगेगी। तो आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी आप बाहर का जो कंपटीशन है, अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बाहर जब आप आओगे तो उसके कंपटीशन को फेस कर पाओगे। जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं रहेगा तब तक आप उन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे, और फिर से आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। तो आपको टॉप 5 to 6 कॉलेज चूज करने हैं, आपके स्टेट के प्राइवेट जो टॉप 5 to 6 कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड, बट गुजरात जैसे नहीं होना चाहिए, और आईटीज एंड आईटीज मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का।